कैमरामैन बाद में कर लोगे रिकॉर्ड, पहले मैं कपड़े तार ले आऊंगी रे। नुकर डके डके देखा, ठीक है कर ले रिकॉर्ड कर पहले, बाद में देख लेंगे कपड़े तो। कपड़े की जा है, बुरे रहेंगे कपड़े भी। आज जिन अभी नू लाग गए ना, जिन आदमी नू लाग गए है, लुगाई घर में कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन फ्री रह है। मतलब आदमी ड्यूटी चला जा, उसके बाद के है कोई काम नहीं, लुगाई फ्री। आज का टॉपिक उन आदमियों खातर है जो नू सोचा है ना अगर लुगाई के घर में कुछ नहीं करती। आज उन दिखावांगे लुगाई भी कितनी बिजी रह है। कभी खाना बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ, कभी पोछा लगाओ, कभी बर्तन साफ करो, फिर उन खातर प्रेस करो। उन प्रेस चाहिए बिल्कुल क्रीज वाले कपड़े पहनने के लिए, और यूँ कहेंगे औरत फ्री रह है। चलो दिखाएं आज का रूटीन। चलो भाई, अब सबसे पहले ये बेडशीट झाड़ के और फिर पूरे घर में झाड़ू लगा दी जाए, फिर कुछ दूसरा काम सोचेंगे क्या करना है। घर इतना फैला हुआ होता है ना, यूँ समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ से शुरू करें, पहले कौन सा काम करें, कौन सा बाद में करें, ये बड़ी दिक्कत होती है। और मौसम भी थोड़ा ऐसा है, धूल मिट्टी भी काफ़ी आती है, लगे रहते हैं भाई। बच्चे हैं वो अपने काम में बिजी रहते हैं बेचारे, हम अपने काम के चक्कर में उनको भी परेशान कर देते हैं। लेकिन क्या करें भाई, हमारा भी रूटीन हमें भी करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा टाइम तो ना किचन में ही लगता है, बहुत सारा बर्तन और सब बहुत काम हो जाता है, छोटा छोटा जो दिखता भी नहीं है लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लगा लो आधा टाइम तो किचन ही ख़त्म कर देता है, और बाहर से सब तो लगानी है। अभी बस झाड़ू तो मेरी हो ही गई है, लगभग मैंने कंप्लीट कर दी है। अब फटाफट बस ये बर्तन ऑफ कर दिए जाए, बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब ये बर्तन ऑफ कर दिए जाए भाई जल्दी, इतने बर्तन इकट्ठे कर देते ना बच्चे, हर दो दो मिनट में, हर दो दो मिनट में जितने गिलास होते हैं पूरे सिंक के अंदर प्लास्टिक के यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि समुद्री एरिया है, जंग ज़्यादा लगता है बर्तनों में, पानी भी थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसी वजह से सारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो लगभग बर्तन ऐसे हैं जो प्लास्टिक के रखते हैं या एल्यूमिनियम के ही रखते हो, स्टील के बर्तन बहुत जल्दी जंग पकड़ते हैं। हर 5 मिनट में जब भी देखो ये सिंक पूरा ऊपर तक मिलता है, पता नहीं कितने बर्तन करते हैं। चलो जो भी है, बर्तन तो हो गए हैं फाइनल। चलो भाई प्रेस कर लेते हैं। अच्छा, प्रेस से याद आया, प्रेस करते करते चलो आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी का और औरत का झगड़ा हो गया, तो औरत साइड में बैठी मुंह फुलाए, तो उनके घर पे आया एक कि बोला भाई साहब आपकी स्त्री दो ना। ले हाँ हाँ ये बैठी ले जा। बोला अरे ये नहीं, वो जो गर्म होती है। बोला हाँ हाँ खूब गर्म होती है ले जा। फिर बोला अरे वो नहीं जो करंट मारती है। बोला हाँ करंट मारती है, बट टच तो करके देख। चलो जो के साथ साथ कपड़े भी प्रेस होते जा रहे हैं, ये कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। चलो प्रेस लगभग हो ही गई है, और इसके साथ साथ वीडियो को थोड़ा हाँ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं आपको भी थोड़ा काम देती हूँ, ये जो पीछे दीवार पे जो घड़ी है इसमें देख के बताना कितना टाइम हुआ है, और जो भी मतलब सही टाइम बताएगा उसका नाम हम अगली वीडियो में लेंगे, भाई किस किसने सही टाइम बताया है। तो ये काम है आप सभी के लिए, आप देख के बताना कितना टाइम हुआ है। मैं जा रही हूँ सामान लेने नौमी का, और तुम दोनों मेरे पीछे से शरारत मत करना, दोनों कभी आऊँगा तब बकवास करते हम लोग। और तुम लोग क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ बाजार में मार्केट दिखाते हो, शॉपिंग करेंगे। बाय बेटा। एक तो ये कैमरा देखते ही मैं यूं भूल जाऊं मैंने के कहना है और के करना है। अरे स्क्रिप्ट लिखनी है कि तो ना, मैं दही वधाण हो रही हूँ, हर मिनट में 2-3 वर्ड नए और इसमें जोड़ दे है, मैंने ना मेरा पढ़ता ही मैं के बोलूँ। और यह भाई देखा भाई आपने कितना बिजी रूटीन हो है औरत का, और इसे भी इसमें बेचारी अपने भजन कीर्तना खातर भी टाइम निकाला है। और सबसे ज़रूरी बात तो आपने मैं बताना भूल गई, अपनी आजू बाजू वाले से
उनका बात करनी भी बहुत जरूरी है, चुगली भी तो बहुत जरूरी है, अब बिना चुगली बिना तो मन भी ना लगता। शॉपिंग वाली जो वीडियो थी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, तो इसके लिए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारी वीडियो कैसी लगी ये देखो हो, इस चैनल ने सब्सक्राइब कर दो।